प्रचार हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां हर नेता बोलता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां बाहरी लोगों से ज्यादा खतरा तो अंदर बैठे लोगों से है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां उसके खुद के पाले हुए लोग उसे दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहां लोग दिन रात यह सोच सोच कर मरते हैं कि समाज क्या करेगा। समाज ये आज की बात नहीं है, आइए ले चलते हैं आपको त्रेता युग में। सीता को हम अपनी रानी नहीं मानते। सीता राम की पत्नी कह रहे हैं नहीं रही, राम को सीता का त्याग कर देना चाहिए। आपने सीते मुझे तुम पर पूर्णतया विश्वास है, परंतु हमारी प्रजा आप प्रजा की संतुष्टि के लिए मेरे चरित्र पर संदेह करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा चरित्र पर संदेह नहीं कर रहा, परंतु हमारे समाज की संतुष्टि के लिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। अरे ये समाज क्या है, कौन है ये? अरे कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, पहले घर से बदलाव करो। नहीं तो सहो और अब फिर कहो कि समाज क्या कहेगा। पहले समाज खुद की बदलो फिर समाज बदलना। ना जागो सबको जगाओ क्योंकि देश हो रहा है, देश हो रहा है। महिलाओं पे उत्पीड़न के हमारा देश सदियों से झेलता आ रहा है। अरे भैया धीरे बोलो धीरे, क्योंकि देश हो रहा है। अरे जान के
निकल गया यहाँ से। अरे इसका भगवान इसका जवाब नहीं दे पाएगा, परंतु जनता अगले चुनाव में जरूर देगी। अरे बड़ी आई तेरी जैसी जनता है, तेरी जैसी आधी जनता को तो मैं नोटों पे खरीदूंगा, नोटों पे। और बाकी बचे कुछ उनको तो जाति बिरादरी ना पे बांट बांट के दंगे करा करा के डाल के ले लूंगा। अरे जनता इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, जिस थाली में खाते हैं ये छेद उसी में करते हैं, ना गरीब के पेट पे मार घर अपना ये भरते हैं। इस देश की है बीमारी ये धनवाद भिखारी, एक आदमी पेट काट कर घर अपना चलाता है, खून पसीना बहा बहा के मेहनत की रोटी ये खाता है, खुद भूखा सो जाए पर बच्चों को रोटी लाता है। अरे तू उनसे छीनने वाला, अरे तू उनसे छीनने वाला जाने कैसे जी पाता है, जाने कैसे जी पाता है, जाने कैसे जी पाता है। मैं बोलो धीरे क्योंकि